Mawlana Muhammad ये किताब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि लफ्ज बफ्ज कशफुल महजूब में जो लिखा है उसे आपके सामने पेश किया जाए मगर फिर भी हमसे कोई भूल हुई हो तो दाता साहब से माफी चाहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जहाँ कोई बात समझ में ना आ रही हो तो उसे आप महजूब से किताब से मिलाकर सही मानी पता कर सकते हैं ताकि आपको सही मालूम मिल सके हम सबको अल्लाह अपने हबीब वसल्लम सल सदके तोफ़ी दे कि हम सही इल्म हासिल करें और उस पर चलकर कर मार्फते इलाही हासिल करें अल्लाह ताला हम सब सबका हामीनासर और मदद करने वाला है बेशक वही ज़ात है जिसने हमें पैदा किया और वही همي اپنى طرف لوطانى بالا هى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم مجهدى النفس قى الله تعالى ارشاد ہے کہ वल्जीना सुलूबाना अल अनकबूत आयत उनतीस जिन्होंने हमारी राह में मुजाह किया यकीनन हमने इन्हें अपना रास्ता दिखाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल मुजाहिद मुजाहिद वो है जिसने राहे खुदा में अपने नफ्स के साथ जिहाद किया और अल्लाह ने फरमायाल जिहादुल अकबरुला वहीया मुजा हदा तुन नफ्स अब हम छोटे जिहाद यानी गुरूर से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं साहबा ने झा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद अकबर क्या है फरमाया सुन लो वो नफ्स से मुजाहिदा है हजूर अक्रम ने मुजाहिद नफ़्स को जिहाद यानी गजवात पर फ़ज़ीलती दी है इसलिए कि इसमें रंजोम मुशक्कत ज्यादा है और इसमें पायमाल करना वाजिब है और मुजाहिद नफ्स में नफ्स को मगलूब मखूर करना है तो अजीज अल्लाह तला तुम्हें इज़्ज़त बख्शे आगाह रहो के मुजाह नफ्स का तरीका किताबो सन्नत से वाज व है और तमाम दिनों और सब मिलतों में इसकी तारीफ की गई है अहले तरीक़ा तो ख़ास तौर से इसे मलहूज रखते हैं और तमाम आम खास मशाइ में इसके मामलत जारी वमस्तमिल हैं इस बारे में मशा के बकसरत रमूज वशारात हैं जाफ़र सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रमतुल्ल तो इस खसूस में बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं मुजाहिदे के सिलसिला में इनके दलाइल ब्राहन बकसरत उर्फा फरमाते हैं कि हजरत सहल की आदत थी कि हर रोज एक मरतबा खाना खाते थे इतनी कलील गजा पर उन्होंने तवील उम्र पाई तमाम ने मुजाहिदे को साबित किया है और इसे मुशाहिदे का जरिया बताया है मुशाय फरमाते हैं कि हजरत सहल रहमत ने भी मुजाहदे को मुशाहे की इलत करार दिया है और फरमाया है कि तालिब के लिए इरफान हक़ में मुजाहिदा निहायत मौसर अमल है हज़रत सहल रहमुल्ल दुनियावी जिंदगानी को जो तालब इरफान हक में हो इस आखिरत की जिंदगानी के मुक़ाबला में जो हसूल मुराद से ताल्लुक रखती है अफजल बताते हैं इसी बना पर उनका ये इर्शाद है कि उखरवी हसूल मुराद इस दुनियावी मुजहदे का समर है जब तुम दुनिया में खिदमत इबादत करोगे तो आख़रत कुर्बत पाओगे बग़ैर खिदमत के वो कुर्बत हासिल नहीं हो सकती हती कि ये इतना जरूरी है कि वसूल हक की बंदे का मुजाह है बशरतेशाह है इसके बरस दीगर मुशाय ये फरमाते हैं कि वसूल हक़ के लिए कोई और सबब नहीं है जो भी वासिल होता है वो फजल इलाही से होता है फजल के मुकाबला में बंदे के अफ़ाल की क्या हकीकत मुजाहिदा तो तहजीब नफ्स और इसके तजकिया के लिए है ना के हकीकत करीब के लिए इसकी वजह यह है कि मुजाह की तरफ रुझू होना बंदे की जानब से है और मुशाह के अहवाल हक की तरफ से इस सूरत में मुहाल है कि बंदे के अफाल इसका सबब या इसका आला बन सकें। इस मसला में इनके खिलाफ हजरत सहेल ये दलील पेश करते हैं वल्लना जदम सलूबना जिसने हमारी राह में मुजाहिदा किया यकीनन हम इसे अपनी राह दिखाते हैं मतलब ये कि जो मुजाहिदा करता है वो मुशाहिदा पाता है नीज़ अम्बिया कराम अस्सलाम की बासत, शरीय का क्याम किताबों का नजूल और तमाम अहकाम मुकल्फा ये सब मुजाहिदे ही तो हैं अगर मुजाह मुशाहे कीत ना हो तो इन सबका हुक्म बातिल करार पाता है नीस दुनियाव आख़रत के तमाम अहकाम अलक्म के साथ ही मुत्लक़ हैं जो हुक्म इल्लत की नफ़ी करता है वो शरीयत और इसके अहकाम को उठाता है इस सूरत में न असल में अहकाम मुखलफ़ा का सबूत दुरुस्त होगा और ना फराम खाना भूख को ख़त्म करने और लिबास सर्दी को दूर करने की इल्लत होते हैं लिहाजा इल्लतों की नफ़ी से तमाम मकसूद मानी में तातुल ख़लल वाक़ होता है लिहाजा अफआल में असबाब पर नजर तोहेद और इसकी नफी तातील है इस बारे में इनके मसलक के बमौजब मुशाहदे के इस्बात में दलायल हैं और मुशाह का इनकार मुकाबरा और हट धर्मी है क्या तुमने नहीं देखा कि सरकश घोड़े को चाबुक के जरिया सुधार कर बहादरी किशान पैदा की जाती है और इसकी सरकशी को ख़त्म किया जाता है और आखिर में वही चाबुक जमीन से उठाकर घोड़ा खुद मालिक के हाथ में दे देता है और अपने मुंह से लगाम ले लेता है इसी तरह नादानी अज़मी बच्चे पर मेहनत करके अरबी जुबान सिखा दी जाती है और इसकी तबी बोली को बदल दिया जाता है फिर ये कि वहशी जानवरों को रियाजत के ज़रिए ऐसा सुधारा जाता है कि जब इसे छोड़ते हैं तो वो खुद चला जाता है और जब बुलाते हैं तो आ जाता है पिंजरे में रहना आज़ादी और छोड़ने से ज़्यादा पसंदीदा है नापाक कुत्ते को सुधा कर इस मंजिल तक पहुँचा दिया जाता है कि इसका शिकार हलाल हो जाता है हालांकि आदमी के बग़ैर सुधाए इसका शिकार हराम है इस कौम की बेशुमार मिसालें हैं लिहाजा पूरी शरीयत और इसके अहकाम का मदार मुजाहिदे पर है अल्लाह के हबीब सैयद आलम वसल्लम ने खुद बकसरत मुजाहिदे फरमाए हैं आपको हसूल कुरब वसूल मकसूद आफियत अकबा और याम बरअसमत हासिल थी इसके बावजूद भूखे रहे तवील मुद्दत तक में विशाल रखे और कितने ही रातों तक शब बेदारी फरमाई जैसा अल्लाह ताला फरमाता है ताहा, ताहा आयत महबूब आप पर कुरान हमने इसलिए नाजिल नहीं किया कि अपनी जान को हलाकत में डालें हज़रत अबू रज़ी अल्लाह अनह बयान करते हैं कि मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त रसूल करीम अलैहि वसल्लम ईंटें उठा रहे थे और मैं देख रहा था कि हजूर वसल्लम को तकलीफ़ हो रही थी मैंने अर्ज़ किया या रसूल वसल्लम ईंटों का काम मेरे सुपुर्द फरमा दें मैं ये खिदमत बजा लाऊँ हजूर अलैहि वसल्लम ने لا हुर खुशा ऐशल आखिर तुम और काम करो क्योंकि हकी ऐश तो आख़िरत का ही ऐश है दुनिया तो रनजो मेहनत की जगह है हजरत हयान बिन खारजा मक्की अलैह बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाबन उमर अन्हुमा से दरियाफ्त किया कि जिहाद क्या है तो फरमाया पहले अपने नफ़ से जिहाद की इब्तदा करो और इसके साथ जंग शुरू करो अब अगर तुम भागते हुए मारे गए तो अल्लाह ताला भागने वालों में तुम्हें उठाएगा और अगर तुम रयाकारी में मारे गए तो अल्लाह ताला रयाकारों में उठाएगा और अगर हसूल अजरे सवाब के लिए सब्र तहमुल में मारे गए तो अल्लाह ताला तुम्हें साबिरों और शाकरों में उठाएगा लिहाजा हक तला के मानी के बयान में जितनी इबारतें तसनीफ़ो तारीफ़ में मरवी वसूर हैं इतनी ही मुजाहिदे के असूल मानी और इसकी तरकीबो तालीफ में मरवी हैं जिस तरह बग़ैर इबारत व तरकीब के बयान दुरुस्त नहीं होता इसी तरह वसूल हक बगैर रियाजत मुजाहिदे के दुरुस्त नहीं जो बग़ैर मुजाहिदे के वसूल हक़ का दावा करता है वो गलती पर है इसलिए के जहान और इसके हदूस का सबूत इसके पैदा करने वाले की मार्फत की दलील है वहाँ मार्फत नफ्स और इसका मुजाह इसके वसल और मुशाहे की दलील है अहले तरीकत के एक ग्ररोह की दलील ये है कि तफसीर के लिहाज से कलिमाते आया मुकदम और मखिर हैं वल्लना जा हद फीना लनदी हम सुबूलाना ई वलना हदै नबू जा हदूफीना जो हमारी राह में जहाद करते हैं हम इन्हें अपना रास्ता दिखाते हैं इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को हमने अपनी राह दिखाई है वो हमारी राह में जिहाद करते हैं और ये कि हजूर अक्रम सल वसल्लम का इरशाद हैदम बी ही। तुम में से कोई अपने अमल के जरिया निजात नहीं पाएगा वला या रसूल किसी ने अर्ज किया या रसूल क्या आप भी नहीं कला फरमाया हाँ मैं भी नहीं लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत में मुझे ढांप रखा है लिहाजा मुजाहिदा फेले बंदा है और ये मुहाल है कि इसका फेल इसकी निजात का मौजब बने क्योंकि बंदे की निजात मुशैयत इलाही से मुतक़ है न के मुजाहिदे से इसी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि फम्लाहरादिल्लाह सय्य हर जन अल एक सौ पच्चीस जिसके लिए अल्लाह ताली की मशीत ये होती है कि वो हिदायत पाए तो अल्लाह ताली इस्लाम के लिए इसका सीना खोल देता है और जिसके लिए अल्लाह ताला की मशीत ये हो कि वह गुमराह रहे तो वो इसका सीना को बहुत ज्यादा तंग कर देता है इर्शाद है कि तो वतमल अल इमरान आयत छब्बीस जिसे चाहता है मुल्क देता है और जिससे चाहता है मुल्क ले लेता है अल्लाह ताला ने अपनी मुशैय के इस बार में सारे जहान के अफाल की नफ़ी फरमाई है अगर मुजाहिदा हक़ का वसीला होता तो शैतान मरदूद ना होता अगर मुजाहिदे का तर्क मरदूद होने की इल्लत होती तो हजरत आदम हरगिज मकबूल व मुसफ़ा ना होते लिहाजा हसूल मकसद फेलो इनायत इलाही की सबकत है ना कि कसरत मुजाहिदा और ये बात भी नहीं के जो सबसे ज्यादा मुजाहिदा करे वो सबसे ज्यादा महफूज हो बल्कि जिस पर हक ता की इनायत ज्यादा है वह हक ताला से ज्यादा करीब है कोई कलीसा में रहकर हमेशा तात में मशगूल रहते हुए हक ताला से दूर रहे और कोई शराब खाना में रहकर मासीत में मुबला होकर हक ताला से करीब है हर लिहाज से बच्चे का ईमान सबसे ज्यादा मुशरफ है क्योंकि वह मुकलफ़ नहीं है इसका हुक्म हुक्म ई ईमान है यही हाल दीवानों का है ज़ाहिर है कि जब इनायत इलाही में ज़्यादा मुशरफ होने के लिए मुजाह वसीला नहीं है तो जो भी इससे कम हो इसके लिए भी वसीला की मोहताज नहीं हजूर सयदनादाता गंजब्श्श रहमत फरमाते हैं कि ये ताबीर दो तरह पर खिलाफ अमल है क्योंकि एक कौल है मन तालाबा वजद जिसने चाह पा लिया और दूसरा कॉल है मन वजद तालाबा जिसने पा लिया वो तालिब हुआ मतलब यह है कि पाने का सबब तलब होती है और तलब का सबब पाना है एक मुजाहिदा करता है ताकि मुशाहिदा करे दूसरा मुशाहिदा करता है ताकि मुजाहिदा करे इसकी हकीकत यह है कि मुशाहिदे में मुजाहिदा, तात में तोहफ़ी के इलाही मुयसर आने की वजह से है जो खास इसका फजल और अता है लिहाजा जब बे तोीक के हसूल की तलब मुहाल है तो हसूल तोफ़ीक भी बेतात मुहाल है जब बग़ैर मुशाहे के मुजाहे का वजूद नहीं है तो बे मुजाहे के मुशाह भी मुमकिन नहीं इसके लिए जमाल इलाही का नूर दरकार है ताकि मुजाहदे में बंदे की रहनुमाई कर सके फिर जब मुजाहे कीत नूर जमाल इलाही है तो मुजाहिदे पर हिदायत पहले हुई लेकिन ये जमात यानी हजरत सुहेल और इनके इतवा जो दलील देते हैं कि जो मुजाहिदे का इस्बात नहीं करता वो तमाम अम्बिया कुतब समावा और शराय का मुनकर है क्योंकि तकलीफ का मदार मुजाहिदे पर है इससे बेहतर ये था कि वो ये कहते कि तकलीफ का मदार मदारा की हिदायत पर मुनहसर है मुजाहिदा तो इस्बात हजत के लिए है न के वसल इलाही की हकीकत के लिए जो कि हक ता इर्शाद है कि ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة وقلما هم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبول ما قانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثر هم يجهلون الإنعام 111 اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو اتاریں اور مردوں کو ان سے اور تمام چیزوں کو ان سے روبرو اٹھائیں तब भी वो गिज़ ईमान न लाएंगे मगर यह कि अल्लाह अगर चाहे लेकिन अक्सर लोग नादान हैं, क्योंकि ईमान की मुशैत है ना कि दलाल के देखने और इनके मुजाहदे पर मौकूफ़ है नीज يؤمنون दे हक है बेशक जिन्होंने कुफर किया इनके लिए बराबर है कि आप इन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान लाने वाले नहीं क्योंकि काफरों के लिए इजहार हजत और ववुद दलायल और रोज़ कयामत से डराना या ना डराना दोनों बराबर हैं वो इस वक्त तक ईमान लाने वाले नहीं जब तक हम उन्हें अहल ईमान होने की तोफीक ना बख्शें इसलिए कि इनके दिनों पर शिकावत बदबखती की मोहर लग चुकी है लिहाजा अम्बिया की बाशरत किताबों का नजूल और अहकाम शरीय का दौर सब हक ताला से मिलने के इसबाब है ना केल्लत इसलिए कि हजरत अबू बकरहो कबूल इस्लाम में ऐसे ही मुखलफ थे जिस तरह अबू जहल था लेकिन हजरत सदीक रजिए तो अदल और फजल इलाही को पहुँच गया लेकिन अबू जहल बेअल और बेफजल ही पढ़ा रहा लिहाजा अबू जहल के इसमें पड़े रहने की इल्लत एन वसूल और तोहफी के इलाही से महरूमी है कि तलब वसूल यानी जद्दोजहद वगैरह क्योंकि अगर तलब और मतलूब दोनों बराबर होते तो तालिब वाजिद होता जब वाजिद होता तो तालिब ना रहता इसलिए कि वाजिद तो वासिल होता है और तालिब के लिए आराम दुरुस्त नहीं हजूर अक्रम सल्ह वसम ने फरमाया मिन यो महू हु। फाह मखबून जिसके दो दिन यकसा रहे हैं। वाफत ज़दा है मतलब ये है कि तालिबान हक़ के लिए हर दिन पहले दिन से बर्तरो बेहतर होना चाहिए क्योंकि इसका हर दिन तरक्की पजीर है ये तालिबों का दर्जा है फिर हज़ूर ने फ़रमाया इस तकम वलन तहसिनों इस तकामत पे रहो और एक हाल पे ना रहो गोया हजूर अक्रम सल्लह वसलम ने मुजाहे को सबब करार दिया और हजत के असबाब के लिए सबब का इस्बात फ़रमाया और तहकी इलाहियत के लिए सबब के वसूल की नफी कर दी और वो जो ये कहते हैं कि घोड़े को सुधार कर मेहनत तो वमशक्कत के लिए ज़रिया दूसरी सिफत में बदला जा सकता है तो इसे यूँ समझना चाहिए कि घोड़े में एक ख़ास सिफत पोशीदा होती है जिसके इजहार का सबब मेहनत तो मेहनतमशक्कत है जब तक इस पर मेहनत तो वमशक्त ना की जाए इस सफत का इजहार न होगा और चूँकि गधे में वह सिफत सिरे से ही नहीं इसलिए वो घोड़े की मानिंद होशियार नहीं हो सकता और ना घोड़े को मेहनत और वमशक्त के जरिए गधे की मानिंद बनाया जा सकता है चूंकि वो सिर्फ सिरे से ही नहीं है इसलिए कि यह कल्ब एन यानी ज़ात की तब्दीली है लिहाजा जब किसी चीज़ की एन और जात नहीं बदल सकती तो हक ताला के लिए इसका इस्बात करना महाल है हजरत सुहेल तिस्तरी रहमतल्ला पर मुजाहे का विरद था क्योंकि वो इससे आज़ाद थे और इनकी ज़ात में इसका बयान मुनता था और इन लोगों में से नहीं थे कि जिन्होंने बग़ैर दुरुस्तगी मामला सिर्फ बयानबाजी को अपना मजहब बना लिया हो ये मुहाल है, है कि तमाम आमाल मामला की वजाहत सिर्फ लफ्ज व बयान से की जाए खुलासा ये है कि बातफाक अहले तरीकत में रियाजो मुजाहिदा मौजूद मुझा है लेकिन मुजाह की हालत में मुजाहे की दीद आफत है लिहाजा जो हजरात मुजाहदे की नफी करते हैं इनकी मुराद एन मुजाह की नफी नहीं बल्कि इनकी मुराद अदम रोयत मुजाहिदा और अपने इन अफ़ाल में है जो बारगाहे कुछ में जहूर पजीर हो रहे हों इन पर अजब गुरूर ना करना है इसलिए कि मुजाहिदा बंदे का फेल है और मुशाह मनजानब अल्लाह है और जब तक अतए हक ना हो बंदे के अफ़ाल की कोई कदर वकीमत नहीं एक जमा के बाद वो अपने दिल में खुद पालेगा के इस कदर दिल की आरासगी की कोशिश की मगर फजल इलाही ना देखा और क्यों अपने अफआल पर बातें बनाई इसके बाद मालूम होना चाहिए कि हक्के तला के दोस्तों का मुजाह इनके अपने इख्तियार के बग़ैर महज हक ताला के फेल इसके गलबा और इसके सोजो सोज़गज़ार से होता है और सोजो गुजार का होना सरासर हक्के तला की मेहरबानी है और जहलों का मुजाह ख़ुद इनका अपना फ़ेल होता है जो परेशान कुन है परेशान होना और दिल की परागंदी आफत की परागंदी से होती है लिहाजा तुमसे जहां तक हो सके अपने फेल का इजहारो बयान ना करो और किसी हाल में नफ्स की पैरवी ना करो क्योंकि तुम्हारी हस्ती का वजूद तुम्हारे लिए हिजाब है अगर तुम किसी एक फेल से महजूब हुए तो दूसरा फेल अपना सर उठाएगा चूंकि तुम सरापाए हिजाब हो लिहाजा जब तक तुम बिल्कुल फानी ना होगे इस वक्त तुम बका के लायक नहीं बनोगे नफ्स बाग़े कुत्ता है और कुत्ते की खाल पकाने ही से पाक होती है दुरुस्त की मिसाल हज़रत हुसैन बिन मंसूर रहमतल्ला कोफ़ा में मोहम्मद बिन हुसैन अलवी के घर मुकीम थे हज़रत इब्राहिम ख्वास रहमतल्ला जब कोफ़ा तशरीफ लाए तो उन्होंने इनसे मुलाकात की और पूछा कि इब्राहिम तरीकत में आपको चालीस साल गुजर चुके हैं इसके मानी में आपने क्या हासिल किया उन्होंने फरमाया मुझे का तरीक़ा कामिल तौर से हासिल हुआ है हज़रत बिन मंसूर ने कहा अगर आपने अपने बातिन की बस्ती में इतनी उम्र जाया कर दी फिर भी आपको तोहित में फना हासिल ना हुई मतलब यह है कि तवक्ल के मानी तो ये हैं कि अपने मामला को हक ताला के सपुर्द करके अपने बातिन को एतमाद के साथ दुरुस्त रखे और जब कोई सारी उम्र बातनी मामला की दुरुस्तगी ही में सर्फ कर दे तो मामला दुरुस्तगी के लिए इसे एक और उम्र दरकार होगी ये दोनों उम्रें ज़ाया होने के बाद भी इस पर हक का कोई असर न होगा नफ्स की सरकशी की मिसाल हजरत शेख अबू अली सयाह मरूजी अलह बयान करते हैं कि मैंने नफ्स को ऐसी शक्ल में देखा जो मेरी हम सूरत था किसी ने इनके बाल पकड़ रखे थे इसने इसे मेरे हवाला कर दिया मैंने इसे एक दरख्त से बांध दिया इसके बाद मैंने इसे हलाक कर देने का इरादा किया इसने मुझसे कहा अबू अली जहमत ना उठाओ मैं खुदा का लश्करी हूँ तुम मुझे फना नहीं कर सकते नफ्स की उल्टी खसलत की मिसाल हज़रत मोहम्मद बिन अलियान नसवी, जो हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्ल के अकाबर अहाब में से थे बयान करते हैं कि इब्तदाय हाल में जब मैं नफ्स की आफतों पर बीना हुआ और इसकी खुफिया पनाह गाहों से वाकिफ़ हुआ इसी वक्त मेरे दिल में नफ्स की तरफ से कीना हो गया था एक दिन लूमड़ी के बच्चे की मानंद कोई चीज़ मेरे हल्क से बाहर निकले हक ताला ने मुझे इससे वाकिफ़ कराया और मैं जान गया कि वो नफ्स है मैं इसे पाँव से रौंदने लगा और ठोकरें मारने लगा मगर वो बढ़ता ही गया इस वक्त मैंने कहा ए नफ्स हर चीज मारने और जख्मी करने से हलाक हो जाती है तू इसके बरक्स बढ़ता ही जाता है इसकी वजह क्या है नफ्स ने कहा मेरी तख्लीक उल्टी है औरों को जो चीज़ तकलीफ पहुंचाती है वो मुझे आराम और राहत पहुंचाती है जो चीज़ दूसरों को आराम और राहत पहुंचाती है वो मुझे तकलीफ देती है कुत्ते की शक्ल में नफ्स का जहूर हज़रत शेख अबू अब्बास रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम वक्त थे फरमाते हैं कि एक दिन मैं घर आया तो जर्द रंग के एक कुत्ते को अपने बिस्तर पर सोता हुआ पाया मैंने ख्याल किया कि शायद मोहल्ला का कुत्ता घर घुस आया है इसे बाहर निकालने का इरादा किया मगर वह मेरे दामन में घुस कर गायब हो गया मुख्तलिफ सूरतों में नफ्स का जहूर हज़रत शेख अबू अल-कासम गरगानी जो आज तब ज़माना और तरीक़त के दारुल महाम हैं अब काहे अल्लाह ताला वो अपने इब्तदाय हाल की एक निशानी बयान करते हैं कि मैंने नफ्स को सांप की सूरत में देखा है और एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि मैंने नफ्स को चूहे की शक्ल में देखा तो मैंने इससे पूछा कि तू कौन है इसने कहा मैं गाफ़िलों को हलाकत में डालने वाला इनको शरारत बुराई की तरफ बुलाने वाला और दोस्तों की निजात हूँ चूंकि मेरा वजूद शराप है तो वो अपनी पाकि व तहारत पर नाजा होकर अपने अफ़ाल पर तकब्बर करने लगते हैं वजह यह है कि जब वो दिल की पाकिजगी सीरत की सफाई नूर विलायत और तात पर अपनी इस्तकामत को देखते हैं तो हवा व तकबर इन में पैदा हो जाता है फिर जब वो अपने पहलुओं में मुझे देखते हैं तो इन तमाम ऐबों से पाक हो जाते हैं ये तमाम अमसाल हकयात इस बात की दलील हैं कि नफ्स ज़ात है ना कि सिर्फ अलबत् नफ्स की कुछ सिफात भी हैं जिनको हम जाहिर तौर पर देखते हैं हजूर अक्रम सल्हसम का इर्शाद है अदू जन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा वो नफ्स है जो दोनों पहलुओं के दरमियान है लिहाजा जिसे नफ्स की मार्फत हो जाती है वो जान लेता है कि इसे रियाजत मुजाह के जरिए ही काबू में लाया जा सकता है चूंकि नफ्स की असलो माहियत अच्छी नहीं है अगर तालिब को इसकी सही तौर पर पहचान हो जाए तो वो इसकी मौजूदगी में भी इसे कोई ख़तरा नहीं होता हजूर अक्रम सल्ह वसम का इर्शाद है बिना हन वम्साकुलब बदरियादती मुबा इसलिए कि नफ्स आज़ाद कुत्ता है सिखाने के बाद कुत्ते को बांधना मुबा है लिहाजा मुजाहिदा नफ्स की सफात को तो फना कर देता है लेकिन इसकी जात को नापैद नहीं करता इसके बारे में मशा के अकवाल बकसरत हैं बखौफ़ तवालत इसी पर एकतफ़ा करता हूँ अब हवा की हकीकत और तरक शहवत की बहस शुरू करता हूँ वबिल्ला तोफ़ीक